सतपुड़ा कला में समूह संचालक एवं अधिकारियों की आपसी लड़ाई में हम्मालों ने किया काम बंद। कमीशन की लड़ाई के कारण हम्मालों को नहीं मिली हम्माली। काम बंद होने से करीब 1000 क्विंटल अनाज पानी में भीगा। 1000 क्विंटल अनाज पानी में भीगा, जिम्मेदार कौन? जी हां, क्षेत्र की सतपाड़ा कला सोसाइटी पर लाखों की कीमत का करीब 1000 क्विंटल गेहूं पानी में भीग गया और हम्मालों ने काम बंद कर रखा है। वजह है, खरीदी केंद्र 1 अप्रैल से शुरू हुआ था लेकिन 1.5 महीने बाद भी करीब 44,000 क्विंटल तौल होने के बाद भी हम्मालों का भुगतान नहीं किया गया। इस कारण हम्मालों ने काम बंद कर दिया। खरीदी केंद्र सतपाड़ा में लवकुश समूह संचालन व्यवस्था देखता है। हम्मालों ने आरोप लगाया कि उन्हें 1.5 माह बाद भी हम्माली नहीं मिली है। ऐसे में ये आखिरी खेप भी यहां से उठ गई, तब हमारी हम्माली कौन देगा? मजदूरों ने कहा कि हमारा पैसा समूह के खातों में आ चुका है लेकिन समूह संचालक और अधिकारी आपस में लड़ रहे हैं और हमें पैसा नहीं दे रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में समूह के संचालकों ने कहा कि जनपद पंचायत के अधिकारी अनूप रघुवंशी अभद्र भाषा में बातचीत करके उसे आधे पैसे 1,46,000 रुपये रिश्वत के जबरन ले चुके हैं। अब हम हम्माली का भुगतान कहां से करें? इंडिया खबर लाइव के लिए मध्य प्रदेश गंज बासोदा से एलन चौबे की एक रिपोर्ट। सोसाइटी आपका समूह कौन सा? सर, है हमारा नाम मोहिनी बाई है, लवकुश समूह है। हाँ, ये कौन सा गांव है, कौन सी सोसाइटी और ये हजारों क्विंटल गेहूं यहाँ पर आए भीग गया, इसका क्या कारण है? एक कारण सब बेसा रहेंगे, अनूप सर, अनूप सर। इन्होंने इस समय से पैसा नहीं दिया सर, समय से देते तो एक नहीं होता। यहाँ निकाला जैसे तो आधा इन्होंने ले लिया, हम क्या करें, हम मान लो को कह दें। कितने पैसे ले गए वो? 1.5 लाख से ऊपर ले गए। 1,86,000 ले गए। काई के ले गए वो 1,86,000? अब उन्हीं से पूछो सर, उन्होंने तो रिश्वत ली है ना। हाँ, हमने दी है सर। काई के दी है उनको 1,86,000? अब उन्होंने हमारे जब पैसे निकालने देंगे, जब हम देते नहीं देते तो ये पैसे बिल्कुल नहीं निकालने देते। मानने की सुंदर धमकी दी, अब हम लोगों को जबरदस्ती देने पड़े के अब आगे चलाएंगे काम। किसने मारने की धमकी दी? अनुपसर ने। हम लोगों को एक तो ये काम सौंप दिया और बीच में आन के डाल दिया, क्या करे वो। रिकॉर्डिंग है हमारे पास सब। हाँ सर, है क्या बोले वो मारने? बहुत गंदी गंदी आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आपकी आप भी देख के अब देखा मत जाना सामने। एक तो उन्होंने काम सौंप दे दिया और उसके बाद भी हम लोगों पे सब जिम्मेदारी। भुगतान कब से नहीं हुआ है? हम लोगों को भुगतान सब हम अलग जब से भाव ही नहीं है। हम खुद अपने अलग से उठा उठा के सबका भुगतान कर रहे हैं। अब हमारे ऊपर है तो कह रहे हैं वो तुम्हारे ऊपर। कहाँ से उठा के लगा? ब्याज से भी लगाया कि समय से काम चलता रहा, बाद में पेमेंट हो जाएगा तो सबको हो जाएगा। अब भी हम लोगों को फंसा के और खुद आराम कर रहे हैं और हम लोग तो परेशान है। उनका कहना ये है कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं और वो तो पूरा पैसा दे चुके हैं। नहीं दिए सर, पूरा पैसा नहीं दिए सर। झूठ बोल रहे हैं? वही तो, झूठी नहीं है सर, सही बात है। पैसा उन्होंने अभी पूरा नहीं दिया है। और बैंक वालों से सुनना मना कर दई बिनने पैसे निकाल ले जाते पैसे तो निकाल ले गए कह हमें। आप कौन है? हम कोषाध्यक्ष। क्या नाम है आपका? रवीना भाई। ये गेहूं जो भीगा पड़ा हुआ है ये क्या हम वालों ने काम बंद कर दिया है? नहीं, मैं पेमेंट नहीं मिला सर, इसलिए उन्होंने बंद कर दिया। गेहूँ नहीं ले जाने दे रहा, कह रहा पहले हमारा पेमेंट होगा उसके बाद। अधिकारियों का 5-5 क्विंटल गेहूँ का क्या मसला है? ये क्या जीप में रख रहा? ले गए जीप में रख लग के। कौन कौन लेके गए? मैडम ले गई है, वो क्या नाम, रेणुका मैडम और अनुप सर। इकाई के लेके गए हैं वो? उन्होंने बताया ही नहीं है कुछ, रखा वो ले गए। पटवारी भी लेके गए? हाँ, पटवारी। कौन है पटवारी? पटवारी यहाँ के हैं, वो भी ले गए 5 क्विंटल। हाँ। ये क्या जबरन लेके गए हैं या कोई सोसाइटी के लिए जमा नहीं, करने? हम लोगों ने नहीं दिया सर। जो बोल रहे थे कि वो तो जांच करने के लिए जा रहे हैं, अब वापस आ जाएगा पटवारी साहब जांच करने के लिए। हाँ। गए थे और जी लोग और सर घर के लिए। मैडम का तो हमें पता भी नहीं है, मैडम को डॉक्टर ने उठाया। अकेले में हम लोगों से बात भी नहीं, मैडम का हमसे उठाया पता भी नहीं है। डॉक्टर कौन है, ये क्या है? डॉक्टर ऑपरेटर है सर। ऑपरेटर।
है कौन सी सोसाइटी और ये जो गेहूँ भीगा पड़ा हुआ है, कितने क्विंटल गेहूँ लगभग भीगा हुआ और इसका क्या कारण है भीगे होने का? सर मैं ये सतपाड़ा गांव का नाम है सतपाड़ा कला और इस समूह का नाम है लवकुश सतपाड़ा केंद्र सतपाड़ा कला और मेरा नाम है संतोष सर। मैं हम्माल हूँ और ये सब पीछे खड़े मेरे आजू बाजू दिख रहे हैं ना, ये सब लोग हम्माल हैं। सोसाइटी चालू हुई थी 1 अप्रैल से और आज है 17 अप्रैल, आज 17 मई है। तो उस दिन से आज तक हम लेबर के लिए सतपाड़ा लेबर के लिए कोई भुगतान नहीं हुआ। यहाँ लेबर 15 लोग थे, हम 15 लोगों के लिए कोई रुपया नहीं है। और बाहर से जो लेबर आई थी, इनने लेबर कम पड़ रही थी, बाहर से ही बुलवाई, पिपरिया से बुलवाई, सोसेरा से बुलवाई, उनका पेमेंट कर दिया इन्होंने फुल और हमारा पेमेंट आज तक 1 रुपया नहीं दिया किसी ने। तो ये पड़ा, इसका क्या कारण है? सर शुक्रवार के दिन हमने, अब तक सोसाइटी चलाई, शुक्रवार के दिन हमने काम बंद कर दिया, शनिवार के दिन शुक्रवार से, और हमारा पेमेंट नहीं हुआ तो क्या कहते हैं हमने काम रोक दिया यहाँ पर। और कया जी माल उठा ले जाते सर तो हमारा पेमेंट को देता, और जे देने वाले होते तो 1 तारीख से हमें 1 हफ्ता का बोला था पर हफ्ता आपको पेमेंट मिलेगा, लेकिन पर हफ्ता की जगह आज 1.5 महीना हो गया। तो हमने इसे इसलिए माल पर रोक लगा दी कि साहब जी माल ले जाएंगे हम किससे ले लेंगे, फिर मजदूर आदमी हैं। ये कितना अनाज होगा? ये लगभग 1000 क्विंटल के लगभग होगा, 1800 क्विंटल के। तो ये भुगतान ना होने का क्या कारण है? भुगतान तो हो गया है लगभग लगभग सर हमारा तो हुआ ही नहीं। अब वो समूह वाले जाने कहाँ हैं, अब हमें थोड़ी बताएंगे ना ये बात का है, हमें कितना है। और आपने किसी अधिकारियों से शिकायत नहीं करी इस बारे में? सर इनके जो सर हैं बड़े, इनसे बात करी हमने, सोसाइटी अनूप रघुवंशी। अनूप रघुवंशी, हाँ। कौन है ये, कहाँ नौकरी करते हैं? जे गंजवासोदा में नौकरी करते हैं, जो इनका लवकुश समूह के जो हैं, लवकुश समूह है सतपाड़ा का, इसके ऊपर वाले सर हैं। हमने इनसे शिकायत की थी गुरुवार के दिन, शनिवार के दिन वो यहाँ पर आए, इनकी शिकायत की, इन्होंने बोला कि आपको सोमवार के दिन 12 बजे तक पेमेंट हो जाएगा, लेकिन आप तुम देख लीजिए 12 बजे के बाद 12 बजे चुके हैं लगभग, अभी तक कोई पेमेंट नहीं हुआ यहाँ तक, ना कोई अधिकारी है ना कोई है यहाँ पर। तो भुगतान अभी हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं हुआ हमारा। और ऊपर से भुगतान हो गया है? ऊपर से इनके खाते में पैसा है, जे लड़ रहा है का कर रहा है हमें पता नहीं है, बाम है इनके खाते में पैसा है इनकी? अब इस बात का मुझे पता नहीं है उनकी, कौन लड़ रहे हैं ये? जे समूह वाले और बे सर और जो स्टाफ इनका। ये क्या मामला है कि ये स्टाफ वाले 5-5 क्विंटल अनाज यहाँ से उठा ले? सब मुझे पता नहीं है इस बात का, उन्होंने कह दी कि हम लोग हैं, हम इसमें गाड़ी में रख दो, तो हमने गाड़ी में रख दिया। उसकी कोई रसीद वगैरह कटवाई? उन्होंने पैसे दिए हैं? कुछ नहीं दी, कुछ नहीं दी। हम तो हम लोग अब क्या लगे गाड़ी भर दो तो हमें पैसे देंगे उसको, क्या लगे गाड़ी भर दो, हम गाड़ी भर रहे हैं, और ऐसे हमसे कह अब इस गाड़ी में रख दो, वो तो हमने गाड़ी में रख दिया माल। कितना कितना कौन कौन अधिकारी लेके गए? 5-5 क्विंटल। कौन कौन अधिकारी लेके गए? अनूप सर और मैडम। बता कौन कौन अधिकारी? अनूप सर और एक मैडम है। कौन मैडम है? रेणुका मैडम। अनुपा मैडम, रेणुका मैडम। और जे भी बात देखी है जे समूह की, वे वो भी 5 क्विंटल। हाँ, और एक मेरे अंदर डॉक्टर लगा नहीं, तो अभी नहीं लगा, दो जने लगा है अनुप मैडम और बस सर। तुम लोगों से भरवा नहीं जर माँ जब इनने बोली है सामने रख आधी भरी है, पारस हो गई चालू। अच्छा गया, खाली करवा जाए, गाड़ी जमती है। अच्छा ये क्या भरा है अंदर? गेहूँ भरा, गेहूँ पूरा भींग गया ये, क्या मालूम, देखा ही नहीं, हम तो आ रहे हैं, ड्राइवर है। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा मंगल सिंह। ये पूरा अनाज जर रखा था जो यहाँ पर ना? सारा बिक गया है? तो साहब जितनी व्यवस्था है हमने उतनी कर ली। आपने कर ली? यहाँ देख रेख में कौन है? यहाँ पर होगा ना गीले हैं? सतपाड़ा कला का मामला ये था कि लेबर पेमेंट को लेके विवाद हो रहा था कि लेबर पेमेंट नहीं दिया गया है, और लेबर पेमेंट समूह के माध्यम से 5,50,000 रुपये निकाले जा चुके हैं, और लेबर जो पेमेंट बन रहा है 5,35,032 रुपये,
जो कि 5,50,000 उन लोगों ने ऑलरेडी निकाल लिए हैं। और शनिवार के दिन अध्यक्ष कोषाध्यक्ष और अध्यक्ष कोषाध्यक्ष के पति लोग चोरी से पंजाब नेशनल बैंक में 4.5 लाख नकद निकालने के लिए गए हुए थे। मैनेजर साहब का फ़ोन आया, जब मैंने उनसे टेलीफोनिक संपर्क साधा तो उनके द्वारा कहा जा रहा कि लेबर पेमेंट, तो मेरे द्वारा बोला गया कि आपको लेबर पेमेंट सब दे दिया गया है तो आप ये पेमेंट क्यों निकालने आए हैं। इस कारण उन लोगों, जब ये पेमेंट नहीं निकला, इस कारण समूह के द्वारा मेरे ऊपर लांछन लगाया जा रहा है, मेरी टीम के ऊपर लांछन लगाया जा रहा है कि हम लोग पैसा लिए हुए। अगर वो पेमेंट हम लोग निकलवा देते हैं तो कोई लांछन लगाता है, क्योंकि वो पेमेंट मैंने इसलिए नहीं निकलने दिया क्योंकि उस पेमेंट में अब पूरी खरीदी का, जब तक बिल वाउचर नहीं लगेगा मैं पेमेंट नहीं निकालने दूंगा। और ये समूह की 8 महिला और भी हैं, उनने भी मना करके रखा हुआ है। 5-5 क्विंटल अगर लेके गेहूँ कोई आएगा, क्यों आएगा भाई? गरीब का गेहूँ लेके कोई क्यों आएगा? वो भी सिर्फ इसलिए लांछन लगाया जा रहा है कि शनिवार का जो पेमेंट इन लोग को नहीं निकलने पाया है तो मेरी टीम और मेरे ऊपर व्यक्तिगत ही लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो कि सरासर बुनियाद हैं। और जो पेमेंट शेष है वो पेमेंट इसलिए कर रहे हैं, 200 क्विंटल गेहूँ इनके द्वारा कम तोला गया। मेरे द्वारा 10 विजिट करने के पे 7 ट्रैक्टर की टालियां मैंने वापस की थी, जो गेहूँ का जो गीला गेहूँ था। तो आप समझ सकते हैं कि समूह के माध्यम से, समूह पति अध्यक्ष के पति पति के द्वारा कैसे गेहूँ चोरी से खरीदा गया होगा गीला, जो कि अपने पास 200 क्विंटल की गेहूँ नपती कम आ रही है। रविवार के दिन मेरे द्वारा या कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा 5 गाड़ियों का टेलीफोन किया गया था, और टेलीफोन करने के बाद 5ों गाड़ियाँ सिनोटा तक पहुँची थी, तो वहाँ के अध्यक्ष के पति द्वारा पूरी गाड़ी वापस कर दी गई है। अब इसमें हमारी गलती नहीं है, समूह के प्रबंधक की देख रेख की जवाबदारी है, हमारी जवाबदारी नहीं है, ये उनकी जवाबदारी है। उनके द्वारा कोई कार्रवाई की गई है क्या? हाँ, मेरे द्वारा कार्रवाई की कर दी गई है। मेरे द्वारा समूह को एक लेटर जारी किया गया है जिसमें से उनसे ये मांग किया गया कुल खरीदी कितनी हुई, कितना बेयर हाउस गया, कितना बचा है और कितने माल की घटती आ रही है, ये पूरी उनसे ब्यौरा 2 दिन में मांगा जा रहा है।